दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तला। दर्शक, आप सभी को दीपोत्सव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो। भगवान गणपति और लक्ष्मी आपके घर में आयु, आरोग्यता, जय और धन की प्राप्ति का संयोग बनाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 12 नवंबर को दीपावली यानी दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा। कब करें दिवाली का पूजन, कौन से लग्न में पूजन करें, स्थिर लग्न कब से कब रहेगा और पूजन में किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इस बात की जानकारी आप सभी को दर्शकों बताना चाहूँगा कि पंचांग के अनुसार साल 2023 कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर अमावस्या का आरंभ हुआ। 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। दिवाली के दिन प्रदोष काल, जिसमें लक्ष्मी गणेश का पूजन का बड़ा भारी महत्व होता है, इसलिए इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली प्रदोष काल के समय मनाई जाएगी। अब के दीपावली का जो विभिन्न पूजा मुहूर्त है उस पर अपन ध्यान दें। दिवाली के दिन शाम को जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो 5:58 से प्रारंभ होकर और 7:37 तक लक्ष्मी पूजन का समय बहुत ही अनुकूल है। इसके बाद बात करते हैं पंचांग को, हम देखते हैं 12 नवंबर की रात्रि 11:35 से लेकर और 12:32 तक लक्ष्मी पूजन का निशिता काल मुहूर्त माना गया। निशा रात्रि इसको मुहूर्त बोलते हैं, वह रात्रि में आप ये पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि वृषभ लग्न और सिंह लग्न। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि सायंकाल जब पूजन किया जाता है प्रदोष काल के समय, उस समय वृष लग्न होता है, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि 8:30 तक आप जो है शाम को 5:38 से लेकर रात के 8:30-9 तक आप ये लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। रात्रि में जब सिंह लग्न आता है तो 11:35 से लेकर और करीब 2:45 यानी 3 बजे तक आप रात्रि में, इसमें आपको निशारात्रि भी मिल जाएगी और रात्रि में सिंह लग्न भी, जिसको हम स्थिर लग्न बोलते हैं, वे पूजा आप कर सकते हैं। दर्शकों, ये बताना बहुत ही परम आवश्यक है कि लक्ष्मी पूजन हमेशा स्थिर लग्न में किया जाता है और जो हमारे समाज के अन्य पारिवारिक लोग हैं जो रात्रि निशारात्रि में करना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठान वाले लोग हैं, वो रात्रि में 11:35 से लेकर इस पूजा अर्चन को कर सकते हैं। पूजा की सामग्री की बात करें, सभी को पता है कि लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह जो आता है वो माटी के बने हुए हैं। लक्ष्मी गणेश हों तो बहुत ही शुभ माने गए हैं। वैसे आप चांदी के लक्ष्मी गणेश, स्वर्ण मुद्रा के, ये आप घर में रख सकते हैं, परंतु कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी मेरे घर में विराजमान हैं और देवता सब अपने घर को जाएं, तो लक्ष्मी गणेश जी का बुद्धि के दाता गणपति और लक्ष्मी जो चंचला है उसकी आज बुद्धि के साथ में ये पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ तक कि पूजा सामग्री की बात है, लक्ष्मी गणेश, धूप दीप, रोली, चावल, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर, कवाला, दूर्वा, फल फूल, यज्ञोपवीत, चंदन, इत्र, कमलगट्टे की माला, शंख, चांदी का सिक्का, आम के पत्ते, पंचवल्लभ आदि, खील, बतासे, पंचामृत और हटरी लेकर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बात करते हैं दर्शकों कि लक्ष्मी पूजन किन किन व्यक्तियों को कब कब करना चाहिए।